हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं इसे। वैदिक पीरियड, ठीक है। कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स का सेक्शन पढ़ लिया था। हाँ, आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जाने हैं। आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि मैं क्या कैसे ये लिख रहा हूँ, ये लिख कर भेजूँ या फिर लिख रहा हूँ। आप ज़रा वीडियो में मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, मैं सॉरी, व्हाट्सएप पर मुझे बता देना। स्टार्टिंग करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब क्या? कुछ लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ सोर्स है आपको बताते हैं, कुछ लिखे हुए इंफॉर्मेशन, कुछ लिखे हुए इंफॉर्मेशन है जो आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं। तो वो क्या लिटरेरी सोर्सेज अबाउट वैदिक पीरियड, अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक पीरियड। आगे कुछ कह रहे हैं नहीं, लिखा हुआ तो ठीक है। कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स बताते हैं, पीरियड के बारे में बताते हैं, पीरियड के बारे में बताते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी है, कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट भी हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं, वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है क्या, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और वो कैसे हम वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल मतलब मैं आपको सिंपल से बता दूँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये हो गया, हम जितनी भी डिस्कवरी वगैरह जो होती है, तो डिस्कवरी वगैरह में हमें क्या मिलता है? पुरानी चीज़ें। तो हम पुरानी चीज़ों को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, उन्हें क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, या फिर उनको शॉर्ट में बोल सकते हो आर्टिफैक्ट्स। क्या बोल सकते हो? आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एंड रिमेन्स ऑफ पॉटरी। वो कह रहे हैं अगर मैं जो अभी अवेलेबल है, जो अभी अवेलेबल है, कुछ तो डिस्कवर अभी भी नहीं हुई है ना, तो बात करें अभी तक अवेलेबल जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो जो अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना उस पीरियड के, ऑफ द पीरियड मतलब उस पीरियड के, किस पीरियड के? वैदिक पीरियड के। तो वो क्या इंक्लूड करते हैं कि आयरन इम्प्लीमेंट्स, यानी कुछ आयरन के टूल्स उनको पता चला, कुछ आयरन की उन्होंने डिस्कवरी की, उससे उन्हें पता चला कि उस टाइम पर हम लोग आयरन का कैसे काम करते थे, एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एंड रिमेंट्स ऑफ पॉटरी। तो पहला बात है आयरन आर्टिकल, कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स उनको मिले आयरन के, तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया? आर्यन, सॉरी, आयरन आर्टिफैक्ट। द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन द वर्ल्ड। यहाँ पे मार्च का मतलब मंथ नहीं है, यहाँ पे मार्च का मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला? तो आप रीडिंग करते जाओगे, सेंटेंस का मीनिंग निकालने तो उसके साथ आपके बारे में पता चल जाएगा। और दूसरी ट्रिक दूँ तो हमने पढ़ा किसी भी चीज़ का अगर नेम हो, जो भी नाउन होता है, तो नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे मार्च क्या कैपिटल है? मार्च का एम कैपिटल है क्या? नहीं, इसका मतलब ये मार्च मंथ वाला नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। तो फिर वर्ब से है, इससे मार्च ऑफ सिविलाइजेशन दिवर। तो क्या है? आयरन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। मार्च तक आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने वाला डेवलपमेंट हम कह सकते हैं इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन दिवर। इन इंडिया द आयरन एज बिगिन इन 1000 BC। अब आपको पता होगा ना आयरन, आयरन एज मतलब क्या? एक ऐसी, एक ऐसा एज, एज मतलब उम्र नहीं, एक एज मतलब एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पर आयरन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो उस पीरियड को क्या नाम दिया गया? आयरन एज। तो कह रहे हैं जो आयरन एज था वो हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ था? 1000 BC। द विलेज फार्मिंग कम्युनिटीज ग्रेजुअली डिस्पर्स, जो विलेज की जो फार्मिंग कम्युनिटीज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई। डिस्पर्स होने क्या बिखर गई, अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गई। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन्स टू द पेनिनसुलर साउथ, गैंगेटिक प्लेन्स लेके पेनिनसुलर साउथ तक तो बिखर गई, फैल गई, दूर दूर हो गई। आयरन वॉज हार्डन मेटल, आयरन वॉज अ हार्डर मेटल। आयरन काफ़ी हार्ड मेटल था एज कम्पेयर टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। इट वॉज चीप, और ये काफ़ी चीप भी था एंड अवेलेबल इन प्लेंटी। था चीप मिलता क्योंकि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा था, क्वान्टिटी में था। आयरन डिपॉजिट्स वर फाउंड ओवर लार्ज एरिया। आयरन के जो डिपॉजिट्स थे, डिपॉजिट्स मतलब कि आयरन जहाँ पर जमा रहता था, तो वो बहुत ज़्यादा जगह पर पाई जाती थी। ऐसे आयरन डिपॉजिट्स हैं ना, आयरन खादाने कह सकते हो, फॉलोइंग एरिया, तो इन दी फॉलोइंग एरिया। और आयरन का यूज बहुत जगहों पर किया गया।
अभी तक कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, अब जो इम्पोर्टेंट आया वो ये है कि आयरन की यूज कहाँ कहाँ पर किया जाने लगा। तो यहाँ पर दो तरह से उसको याद करना, पहले तो हेड है, पहले तो केवल हेडिंग हेडिंग याद करना। आयरन का एग्रीकल्चर में भी क्या गया, आयरन का यूज पोल्ट्री में भी किया गया, दो ही दिए हैं आपको। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि कैसे किया गया, क्यों किया गया, इससे क्या बेनिफिट हुआ। एग्रीकल्चर में यूज करने की बात करता है, आप क्या सुनता है कैसे किया गया, हाउ। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे वो क्या बेनिफिट मिला, बेनिफिट इससे क्या बेनिफिट मिला, ये दो चीज़ तो आपको लिख याद करनी ही करनी है। अगर ये नहीं करोगे और एग्जाम में अगर अगला पॉइंट लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। तो अगर मार्क्स मिले आपको, अच्छा तो मार्क्स मिले, तो आपको ये दो चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी। तो कह रहे डिस्कवरी ऑफ आयरन गेव द आर्यस न्यू इम्प्लीमेंट्स लाइक एक्सेस टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेट द लैंड। देखो हाउ, समझ आ गया, आयरन का यूज़ कैसे किया गया एग्रीकल्चर में, आयरन का यूज़ कैसे किया गया, कुल्हाड़ी बनाकर, एक्स बनाकर किया गया, जिससे उनको क्या बेनिफिट मिला, उससे उन्होंने कैसे भी यूज़ किया, उन्होंने उससे फॉरेस्ट को क्लियर किया, कट किया है ना, और लैंड को कल्टीवेट किया। फिर उन्होंने क्या किया, दस एग्रीकल्चर बिकेम द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, उसको उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बना डाला। ये बेनिफिट होने हैं, विद द यूज ऑफ आयरन फ्लो हेड्स सिकल्स एंड होज दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। ये सारे के सारे काम क्या हो गए, काफ़ी ईजी हो गए आयरन की डिस्कवरी से। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस वीट बार्ले बेटर एंड फ्रूट्स इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सारे काम जल्दी जल्दी होने लगे तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होने लगा। तो बेनिफिट्स है, हाउ। ठीक है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हैं, क्लियर करना, कल्टीवेट करना, एग्रीकल्चर करना। ये लिख सकते हो पॉइंट बनाकर इसके अंदर, अगर आपको करना चाहते हो एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के कहीं भी नोट बनाकर मार्क कर लो इसके अंदर। हाउ देखो तो हाउ के आगे लिख लो एक्सेस, अब बेनिफिट के आगे देखना चाहते हो बेनिफिट के आगे लिख लो फॉरेस्ट क्लियरिंग, कल्टिवेशन ऑफ लैंड, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया इससे एग्रीकल्चर हमारा। ठीक है, यूज ऑफ आयरन की फ्लो हेड्स काफ़ी ईजी हो गए, सिकल्स हूज ये सारे काफ़ी ईजीली हो गए। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, ये लिख सकते हो, लिखना चाहिए भी उसके, लिख सकते होते हैं। ये कुछ आयरन की इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या, आयरन का यूज करके उन्होंने क्या क्या बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाने की कोशिश की स्टैंड पर। ठीक है, एग्रीकल्चर में उसके, सॉरी हमने गलत हेडिंग पढ़ ली थी, आयरन का एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया, आयरन का ऑक्यूपेशन में भी यूज किया गया था। द यूज ऑफ आयरन गिव राइज टू न्यू ट्रेड, सर आयरन के इम्प्लीमेंट्स की वजह से नए नए ट्रेड भी बढ़े। हाँ, दे प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल इम्प्लीमेंट्स, सर जिससे उन्होंने क्या किया, ड्यूरेबल इम्प्लीमेंट, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चले, ऐसे उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, लाइक सॉज, चीजल्स, हैमर्स, नेल्स, टॉन्ग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी हाउ और बेनिफिट वाले पॉइंट हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो नोट करते हैं ना। दिस गेव राइज टू ऑक्यूपेशन सच एज, इसकी वजह से कैसे कैसे ऑक्यूपेशन बढ़े, लाइक वीविंग वाले काम, लोगों ने वीविंग का बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्पिनिंग का, कारपेंट्री का, टैनिंग का, टूल बनाने का। ठीक है, सर डिफेंस में आयरन का यूज़ किया जाने लगा, हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलता था और इजीली अवेलेबल हो जाता था, काफ़ी चीप था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था। आयरन ऑफ एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था मेकिंग वेपन्स, उनको वेपन्स बनाने में यूज़ किया जाता था, यूजिंग मेकिंग वेपन्स लाइक स्वॉर्ड्स, आर्मर, शील्ड। थोड़ा कट करने लगे ये थोड़ा, हाँ ये हैंग हो रहा है, मैं क्रॉस करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
तो हो गई बात आयरन की, तो बस हो गई आयरन की। तो आयरन में हमने देखा कि आयरन बहुत इजीली अवेलेबल था 1000 BC में आयरन एज स्टार्ट हुई थी। पूरी सिविलाइजेशन को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरा चेंज कर दिया उसने। इसके काफ़ी जगहों पर यूज किए गए, तो काफ़ी जगहों में उन्होंने एक एग्रीकल्चर बताया, एक ऑक्यूपेशन बताया, और एक डिफेंस बताया। ठीक है, पॉटरी। पॉटरी फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉटरी मतलब पता है? एग्जैक्ट इनका मीनिंग क्या होता है पॉटरी से? रिकॉर्डिंग हो गई हमारी। सोचो जरा और मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल वही, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वही। तो इससे पता चलता है कि आर्ट के बारे में, इससे क्या पता चलता है कि आर्ट के बारे में, इससे पता चलता है कि उस टाइम की सॉइल कैसी होती थी, वो किस तरह की मिट्टी के बर्तन आते थे उस टाइम पर, मिट्टियाँ कैसी होती थी उस टाइम पता चलता है। वो लोग जो खाना खाते थे वो किस तरह के बर्तन में खाते थे, किस साइज के बर्तन होते थे इनके, काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं इससे। तो लिखा है पोल्ट्री फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पोल्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। द ग्रे बेयर, GW शॉर्ट में बोलते हैं, एंड द पेंटेड ग्रे बेयर, PGW शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पोल्ट्री डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स इन पंजाब एंड हरियाणा इज बिलीव टू बिलोंग द ऋग्वेदिक आर्य। कुछ ग्रे बेयर और कुछ पेंटेड ग्रे बेयर मिले, तो ये होते क्या कैसे दिखाई देते हैं ये आप गूगल कर लेने के बाद आपको दिख जाएगा। ये पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जगहों पर डिस्कवर हुए। ऐसा माना जाता है कि ये बिलोंग करते थे वैदिक आर्यन से, यानी वैदिक आर्यन आर्यन से थे। आर्यन से कौन से? ऋग्वेदिक वाले, जो ऋग्वेद को फॉलो करते थे बेसिकली, ऐसा हो सकता है ना। द इम्पोर्टेंट साइट्स पहले लिख लो, जो ग्रेवियर, पेंटेड ग्रेवियर डिस्कवर्ड इन पंजाब एंड हरियाणा एंड बिलोंग टू द ऋग्वेदिक आर्यन। ठीक है सर, वो इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी? पंजाब और हरियाणा, हरियाणा तो थी थी, साथ ही साथ भगवानपुर जो कि इस टाइम पर कुरुक्षेत्र कहलाता था, दधेरी, लुधियाना जिसको और आज शॉर्ट में बोलते हैं, कटपालन एंड नागर। नागर मतलब क्या? जलंधर को बोलते हैं। दीज कल्चर्स आर रिगार्डेड एज ऋग्वेदिक। सर कल्चर्स क्या होते हैं? जी तो जगहों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ जगहों के नाम लिखे हैं, पर हर जगह के हिसाब से तो कल्चर होंगे। हर जगह के लोगों का बिहेव करने का तरीका अलग अलग होता है, नहीं होता तो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हर जगह पे उन्होंने कहा कि हर जगह का अलग अलग कल्चर था, वो कह रहे ये जो कल्चर थे ना, कल्चर इनको माना जाता है रिगार्डेड एज ए ऋग्वेदिक। इनको माना जाता है कि ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों का कल्चर है, बिकॉज दे बिलोंग टू दी सेम पीरियड, क्योंकि सेम पीरियड से बिलोंग करते थे, सेम रीजन एज मेंशन इन द ऋग्वेद। और जैसा ऋग्वेद में लिखा गया है उन्हीं पीरियड में उसी रीजन में ये क्या करते रहते थे। हाउएवर इन द गंगा यमुना डोब द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद PGW। हाँ बल्कि बात ऐसा नहीं है क्योंकि वो पंजाब और वहाँ पर हरियाणा में ही हो, गंगा यमुना डोब भी जहाँ पर है तो वहाँ पर जो सबसे पहले आयरन का ऑब्जेक्ट मिले थे उनको भी पेंटेड ग्रीन वेयर से क्या किया गया, एसोसिएट किया गया, यानी माना गया कि वो पेंटेड ग्रीन वेयर से किसी ना किसी तरह से मिले जुले हैं। हेयर आर नंबर ऑफ साइट्स एसोसिएटेड विद यूज ऑफ आयरन, प्रोलिफिक यूज ऑफ आयरन हैव बीन डिस्कवर्ड। प्रोलिफिक यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज के साथ, बहुत ज़्यादा यूज, काफ़ी सारी साइट्स हैं। माना जाता है कि वहाँ पर आयरन का बहुत ज़्यादा यूज होता था और ऐसे आयरन साइट्स पर डिस्कवर की भी गई हैं। तब PGW कल्चर करेस्पॉन्ड्स टू द लेटर लेटर वैदिक पीरियड। ऐसा माना जाता है जो PGW कल्चर है यानी पेंटेड ग्रीन वेयर बनाने का जो कल्चर है ना, वो लेटर वैदिक पीरियड वाले पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में लोग ऐसा काम करते थे। तब PGW इज वेरी फाइन स्मूथ एंड इवन कलर्ड पॉटरी, यानी इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग या पिक्चर तो देख ही लोगे, पर सिंपल सा मीनिंग क्या है? पेंटेड ग्रेवियर, पेंटेड ग्रेवियर कुछ है सब बर्तन वगैरह, लेकिन पेंटेड है, जो पेंटेड है थोड़ी आर्ट आ गई यहाँ पर। इट वॉज मेड आउट ऑफ वेल वर्कड हाई क्वालिटी के लिए विद ज्योमेट्रिक पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न में देते हैं पेंटेड ऑन इट ब्लैक, ऑन इट इन ब्लैक, ब्लैक कलर में केवल। फ्लोरल पैटर्न एंड सन सिंबल्स आर सीन इन सम केसेस। कभी कभी हमें आपको फूलों के पैटर्न, सन के सिंबल्स वगैरह भी आपको दिखाई दे जाते थे, दिखाई दे जा सकते हैं। द पॉटरी इंक्लूड्स ओपन माउथेड बाउल्स, पॉटरी का ओपन माउथेड
पर ऊपर से ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ घर रखने के लिए खाने के लिए यूज़ करेंगे तो ओपन माउथ होना चाहिए इनका। ओपन माउथ से बाउल छू देते हैं, डिशेज को देते हैं, ठीक है। डिशेज को बर्तन भी बोलते हैं, ध्यान अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और जो फायर से पढ़ते हैं जरा टॉपिक नहीं लेके पहले इसको कंप्लीट करते हैं। द पीजीडब्ल्यू फेज वॉज फॉलोड बाय द नर्दन ब्लैक फॉरेस्ट बियर। द पीजीडब्ल्यू के बाद जो नई चीजें हैं, जो नई डिजाइन है वो है एनबीपीडब्ल्यू नर्दन ब्लैक फॉरेस्ट बियर। द बिगिनिंग ऑफ विच गोज बैक टू 700 BC, माना था कि 700 BC में स्टार्ट हुई थी। दिस पोएट्री वॉज ग्लॉसी, ये काफ़ी ग्लॉसी थी और शाइनिंग थी। इट इज बिलीव दैट द यूज ऑफ दिस पोएट्री वॉज मेड बाई द पीपल हु डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का यूज़ पता है कौन करते हैं, केवल ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली लोगों को डोमिनेट कर सकते थे। इकोनॉमिकली लोगों को डोमिनेट करने का मतलब है जो रिच थे काफ़ी, एंड सोशल लाइफ, और जो लोगों की सोशल लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते थे, यानी कि तो पॉलिटिकली थोड़ा साउंड हो, ऐसे लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे, यानी काफ़ी महंगी होती थी, ऑब्वियसली बात है। अभी यार ये पढ़ते थे, ऑरिजिन ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स कैसे कहाँ आए। द ओरिजिन ऑफ आइलैंड्स, द ओरिजिन ऑफ आइलैंड्स एज वेल एज द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल हु सेटल इन इंडिया, यानी बता स्कूल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज क्या कह रहे हैं। आइलैंड्स का उद्गम, ओरिजिन मतलब उद्गम होता है, यानी स्टार्टिंग भी कह सकते हो। आइलैंड्स की स्टार्टिंग एज वेल एज उन लोगों की जो इंडिया में आए, अगर सभी के अगर बारे में बात करें तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, यानी हर किसी के थॉट्स से नहीं मिलते, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट आयरन्स वर नेटिव्स ऑफ इंडिया, कुछ लोगों का मानना है कि आयरन्स जो थे वो इंडिया के ही रहने वाले थे। कुछ लोगों का मानना है लाइक बाल गंगाधर आफ्टर द स्टडी ऑफ ऋग्वेद, जब उन्होंने ऋग्वेद और जैन अवेस्ता पढ़े तो उन्होंने कहा कंक्लूड दैट द ओरिजिन होम ऑफ देयर आर्यंस वर आर्कटिक रीजन। तो उन्होंने बोला ऋग्वेद वगैरह पढ़ने के बाद, जैन अवेस्ता पढ़ने के बाद, कि आर्यन जो लोग हैं वो आर्कटिक रीजन से बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर एसी दास आए, एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने ट्राई टू प्रूव दैट ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस वाज इंडिया। फिर उन्होंने भी कहा कि आर्यंस का ओरिजिन करते हैं इंडिया ही है। अकॉर्डिंग टू हिम दे लिव्ड इन दिस सप्त सिंधु, वो कहाँ रहते थे सप्त सिंधु, जो कि पंजाब में है, एंड माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो फैल गए अलग अलग जगहों पर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आई बिलीव दैट द तिब्बत तिब्बत वॉज द होम ऑफ आर्यन, उन्होंने कहा कि तिब्बत और आर्यन का जगह है। फिर प्रोफेसर मैक्स म्यूलियर आए, उन्होंने जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, बिलीव दैट आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ही गेव टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, उन्होंने अपने इस बात का रीजन भी दिया। उन्होंने कहा पहली बात है द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेप्स टू सेंट्रल एशिया हैड स्टार्टेड अराउंड 1500 BC। द आर्यंस बोथ स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू बैंड्स ऑफ वॉरलाइक पीपल सेंट्रल एशिया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो माइग्रेशन था, सबसे पहले जो लहर जो उठी थी माइग्रेशन की, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की, वो सेंट्रल एशिया में 1500 BC में हो चुकी थी स्टार्टिंग, ठीक है। यानी कि 1500 BC में सेंट्रल एशिया से काफ़ी लोग जा चुके थे। और फिर उनका कहना है कि आर्यन जो लोग हैं ना, आर्यन लोग वो काफ़ी स्ट्रांगली रिजेंबल करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांगली रिजेंबल करते हैं उन लोगों से, किन लोगों से, उन्हीं लोगों से जो लोग सेंट्रल एशिया से गए थे, शिफ्ट हुए थे, बैंड्स ना ग्रुप से है, ग्रुप ऑफ वॉरलाइक पीपल, यानी जो लोग जो ग्रुप पूरा निकला था सेंट्रल एशिया से, उन्हीं की तरफ से क्या करते हैं ये आर्यन से मिलते जुलते हैं पहले तो ये। दूसरा तो सेंट्रल एशियन थ्योरी होल्ड्स द ओरिजिन ऑफ रोमन सेल्ट्स इंडियंस ग्रीक्स एंड पर्शियंस फ्रॉम द सेम सर। फिर वो कह रहे हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी कोई है इनकी एशिया की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ से जिन लोगों का ओरिजिन हुआ है वो लोग कौन कौन से हैं, रोमन्स हैं, सेल्ट्स हैं, इंडियंस हैं, ग्रीक्स हैं, पर्शियंस हैं, फ्रॉम द सेम स्टॉक, सेम स्टॉक मतलब एक ही जगह से। मैनी हिस्टोरियंस एग्री विद द सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ मैक्स म्यूलियर, सर काफ़ी हिस्टोरियंस इनकी बात से एग्री भी करते हैं। दे रिंग्स फॉर एक्सेप्टिंग द थ्योरी ऑफ सर्वे किनका, मैक्स म्यूलर का रीजन है, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका रीजन बता रहे हैं कि हाँ हम क्यों एग्री करते हैं। यानी सर अगर पता चला कि मैक्स म्यूलर की थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि लोग इनकी बातों को फॉलो करते हैं, हाँ कह सकते हो, लर्न तो हमें करना ही है।
क्योंकि इन एंशियंट टाइम द लैंड इन एशिया माइनर वाज फर्टाइल विच इमीडिएट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वगैरह। लोगों का मानना था कि हाँ हो सकता है ऐसा, क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम से पुराने टाइम में जो लैंड थी एशिया माइनर की वो काफ़ी क्या थी, फर्टाइल थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर करना सूटेबल था और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी फेवरेबल था। फिर दूसरे पॉइंट कहने से अभी समझ में कुछ नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, जो लाइन थी उसका मीनिंग समझ में आ गया, पर उस मीनिंग का ओवरऑल लाइन से क्या रिलेशन है, ये मीनिंग रीजन कैसे भी समझ में नहीं आया। अब इसको पढ़ेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है स्टोन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन एशिया माइनर प्रूव दैट आर्यन गॉड्स लाइक इंद्र एंड वरुण वर वर्शिप्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ओके, ये थोड़ा समझ में आया। फिर आगे पढ़ते हैं, द फ्लोरा एंड फौना एंड ऑब्जेक्ट्स रेफर टू इन ऋग वेद वाज फाउंड इन एशिया माइनर। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया। एशिया माइनर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया, ये समझ में नहीं आया। हाँ, एरिया कह रहा है एशिया माइनर का जो डिस्टेंस है यूरोप और इंडिया, यूरोप से कंपेयर करें, फिर इंडिया से कंपेयर करें, इक्वल है। तो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। समझ में नहीं इसका सर रीजन कैसे है ये। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट नोटिस द जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द स्टेपी पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फाउंड सिमिलर ट्रेट्स इन 35% ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया। Thus they concluded that the Indo-Aryans migrated from Central Asia to India. ये भी थोड़ा समझ में आया। However, the issue of the origin of the Aryans is still being disputed. Okay. सारे पॉइंट समझ में आ गए दो पॉइंट्स के अलावा, और हम लेकिन पढ़ेंगे 5000 से। बेसिकली ये जो आपके मैक्स साहब हैं, इन्होंने बोला कि जो आर्यन से ना, ये कोई इंडियन इंडियन नहीं है, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करते। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं। ये एशिया से है, कहाँ से है, एशिया से है, एशिया में कोई स्टेपी जगह है वहाँ से ये आए हैं। लोगों ने कहा हाँ आपकी ओर सही है, लोगों ने कहा आपकी ओर सही है, उन्होंने कुछ फैक्ट दिए, कुछ रीजन्स दिए कि हाँ ये बताए हैं जिस वजह से हमें लगता है कि आपका सही है। तो किसी ने कहा एशिया में कुछ ऐसे स्टोन्स डिस्कवर किए गए हैं जिन पर लिखा हुआ है कुछ ऐसा जिससे प्रूव होता है कि यहाँ पर आर्यन गॉड की पूजा की जाती थी। और अगर आर्यन गॉड की अगर एशिया में पूजा की जाती थी तो एशिया में आर्यन गॉड की पूजा कौन करता होगा? आर्यन ऑब्वियसली होता है, आर्यन गॉड्स की पूजा आर्यन ही तो करते होंगे। तो इससे प्रूव होता है कि अगर वहाँ पे आर्यन गॉड के स्टोन इंस्क्रिप्शन हैं तो उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन को बनाया किसने होगा? आयरन ने। उनकी पूजा कौन करता होगा? आयरन ने। तो इससे प्रूव होता है कि हाँ कि वहाँ पर आयरन रहते होंगे। ठीक है, फिर कह रहा था फ्लोरा एंड फौना एंड द ऑब्जेक्ट्स रेफर टू इन द ऋग्वेद फाउंड इन एशिया माइनर। ऋग्वेद में लिखा हुआ है आयरन के बारे में, ठीक है, और ऋग्वेद में जो चीज़ें लिखी हुई है फ्लोरा एंड फौना के बारे में और चीज़ें रिलेटेड चीज़ें, तो वो आर्यंस की चीज़ें हैं। और वो चीज़ पता है कहाँ पर मिली? इंडिया में नहीं मिली, वो मिली ही एशिया में, वो मिली ही कहाँ पर? एशिया माइनर में। तो सर इससे पता चलता है कि हाँ आर्यंस वहीं पर रहते होंगे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट का कहना है डीएनए टेस्ट किए किन किन लोगों के? सेंट्रल एशिया के स्टेपिस सिटी में रहने वाले लोगों के और जो वहाँ नॉर्थ इंडिया के कुछ लोगों में, क्योंकि माना जाता है कि नॉर्थ सबसे पहले वो लोग आकर नॉर्थ इंडिया में ही सेटल हुए थे। तो लोगों का डीएनए चेक किया, 30% रेट तो सेम है, 30% डीएनए चेंज सेम आए। तो इससे भी एक्सी प्रूव हो सकता है सर, अगर डीएनए सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब तो सर वही लोग होंगे जो आर्यंस जो, तो वही होंगे ना स्टेपीज वाले, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग। हाँ, तो ऐसा भी माना गया है। तो ये रीजन से कुछ जो क्लियर है अब कुछ ये है ना, तो इनसे पता चलता है कि हाँ मैक्स आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब दो फैक्ट ऐसे जो थोड़े अनक्लियर हैं, थोड़े एम्बिगस है। वो कह रहे हैं कि इसके पुराने टाइम में इससे माइनर की जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी और एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के लिए काफ़ी फेवरेबल थी। इस पॉइंट से रीजन कैसे मिलता है? इस पॉइंट से रीजन इसलिए मिलता है, आयरन्स जो थे वो फार्मिंग करने में, एग्रीकल्चर करने में और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो लोगों का क्वेश्चन आया कि हाँ ये लोग कितने एक्सपर्ट कैसे हुए इसमें, एग्रीकल्चर में और डोमेस्टिकेशन में, जो है किसी भी एनिमल को अपना पेट बना लेते हैं इजीली, ऐसा कैसे? इनके पास क्वालिटी आई कहाँ से? इनके पास स्किल्स आई कहाँ से? तो उन्होंने कहा
कि ऐसी फैसिलिटी, ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट तो सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया में तो यानी ये लोग तो वहाँ से सीख करेंगे, वहाँ से सीखेंगे तो यहीं के रहने वाले होंगे। तो ये पॉइंट इस तरह से चीज़ को प्रूव करता है कि ये कहाँ के लोग हैं, ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं। फिर बात करें एशिया माइनर एंड इज क्रिश्चियंस फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों का अब यहाँ पे कहना ये है क्योंकि एशिया माइनर से ना इंडिया आओ चाहे यूरोप जाओ, डिस्टेंस सेम ही है, तो लोग यहाँ पर आ गए, लोग यहाँ पर आ गए। ये थोड़ा आने के लिए तो बिल्कुल लॉजिकल से लॉजिक लग रहा है, रीजन लग रहा है, पर यही इसका मेन चल रहा है कि वो यहाँ पर आ गए होंगे। क्योंकि कॉल डिस्टेंस था, वो कहीं पर भी आ सकते थे, यूरोप में भी आ सकते थे, इंडिया में भी आ सकते थे, तो हम मानने के इंडिया आ गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है। फिर भी ये जो टॉपिक है ये अभी डिस्प्यूट में है, अभी कोई कम्प्लीटली सब लोग एक ही बात से एग्री नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नेक्स्ट आपकी बात से भी एग्री नहीं करते। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अर्ली सेटलमेंट्स, अर्ली सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड माउंटेन्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में जो जो लिखे हुए हैं, किस चीज़ों के लिखे हुए हैं, किस चीज़ों के रिवर्स के या फिर माउंटेन्स के। इट इज बिलीव दैट द आर्यंस एंटर्ड इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में कहाँ से, अफगानिस्तान से आए। ठीक है, आपको बताऊँ तो अफगानिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, अफगानिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था। और अगर आपने मामा शकुनी का नाम सुना हो महाभारत में, तो मामा शकुनी कहाँ के प्रिंस थे, वो अफगानिस्तान के कांधार जिले के, कांधार जगह के क्या थे, कांधार प्रोविंस के प्रिंस थे। ठीक है, वो वहाँ के प्रिंस थे, जिसको आज के टाइम पे तो कांधार बोला जाता है, पहले गांधार बोला जाता था, गांधार नरेश, गांधार नरेश। ठीक है, आज के टाइम पे उसको गांधार को कांधार कांधार बोला जाता है, कंधार या कांधार। तो ये पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो माना जाता है कि आर्यन जो इंडिया में आए, बेसिकली मेन इंडिया की बात करें तो अफगानिस्तान से होते हुए आए एंड सेटल इन द वैली ऑफ द काबुल रिवर, काबुल रिवर की तरफ वो सेटल हो गए एंड द पंजाब, पंजाब में सेटल हो गए। दे कॉल्ड दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहा इंडिया का। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्यों कहा, अगर आप मैप खोल कर देखोगे तो अफगानिस्तान में आपको कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में दिखाई देगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा, तो इसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोल दिया गया। फिर सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, नेमली सिंधु, रवि, बीन, सतलुज, झेलम, चेनाबेंड, सरस्वती, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, दिस रीजन कवर्स द प्रेजेंट एरियाज ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान। ये जो एरिया है आज के टाइम पे जो रीजन है, ये बेसिकली अफगानिस्तान का ईस्टर्न पार्ट है, पंजाब है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये चीज़ें मतलब क्या, जहाँ पर ये लोग सेटल हुए थे। लेटर दिस रीजन वॉज नेम्ड ब्रह्मवर्त, है ना, द लैंड ऑफ गॉड्स, द लैंड ऑफ गॉड्स। तो बाद में इसको ब्रह्मवर्त यानी लैंड ऑफ गॉड्स का नाम भी दिया गया, बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद टुक प्लेस हियर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, विच इज कंसीडर्ड मोर सेक्रेड। ऐसा माना जाता है कि जो कंपोजिशन हुआ है ऋग्वेद का, वो किस वजह से, वो कहाँ पे हुआ है, बेसिकली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, सरस्वती रिवर के पास ही हुआ, जिसको हमारे ग्रंथों में ये भी हमारे रिलीजन में बहुत पवित्र रिवर माना जाता है, मोस्ट सीक्रेट, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। द रीजन प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर, ये जो रीजन था ये बेसिकली काफ़ी फेवरेबल था एग्रीकल्चर के लिए। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद हर्ड्स ऑफ एनिमल, हर्ड्स मतलब ग्रुप, विद हर्ड्स ऑफ एनिमल्स सीज्ड टू हेल्प विद द प्री एमिनेंस इट हैड एंजॉयड इन अर्ली डेज। इन लोगों ने अपने एनिमल्स को भी यहाँ से उधर ले आना बंद कर दिया, सीज मतलब बंद करना, स्टॉप करना, यहाँ से ले आना, यहाँ से वहाँ ले आना, एक जगह से दूसरे जगह पर ले आना बंद करे, जो कि पुराने टाइम पर काफ़ी एमिनेंट था, काफ़ी फेमस था जो तरीका, लोग एंजॉय करते थे चीज़ को पुराने टाइम पे, लेकिन अब नहीं, अब ऐसे नहीं करते हैं। दिस फैक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन, और यही रीज़न है, ये फैक्ट ही रीज़न है एवोल्यूशन का, एक न्यू कल्चर एवोल्व हुआ,
क्योंकि वे लोग जाते पाते नहीं थे, एक जगह पर रह गए। ठीक है, सेटलमेंट करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी की बात कर रहा है, सोसाइटी में बात कर रहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने? सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ब्रिजेस वगैरह की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक ध्यान है। इन द ऋग वैदिक टाइम और द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस लिव्ड इन ब्रिजेस। कोई दिक्कत नहीं इसको समझाने में? 2 सेकंड रुकना। द फैमिली वॉज फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। हाँ, वो जो फैमिली थी ना, फैमिली वो सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट थी। फंडामेंटल मतलब का बेसिक यूनिट थी। अब यूनिट का मीनिंग मैंने आपको बायोलॉजी में समझाया कि एक एक करके कैसे पूरी बॉडी बनती है, एक एक सेल बनकर पूरी बॉडी बनती है, एक एक फैमिली मिलकर पूरी सोसाइटी बनती है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, इट वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब के फादर में सबसे बड़ी मानी जाती है, पैट्रियार्कल चलती थी। फादर फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, है ना, ऐसे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे ऐसे चलते। दिस मीन्स दैट द ओल्डेस्ट मेल मेंबर, ओल्डेस्ट मेल यानी फादर ही हो गए। अब ओल्डेस्ट ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, तो ग्रैंड फादर के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ऐसे वो हेड बनते जाते थे। दिस मीन्स दैट ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज इट्स हेड। जो जो फैमिली होती थी, फैमिली में फैमिली का हेड कौन होता था? फैमिली का हेड कौन होता था? तो फैमिली के हेड वो होते थे जो अपने घर में सबसे बड़े हैं और मेल हैं। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड गृहपति। उनको क्या बोला जाता था? गृहपति या फिर कुलपति बोला जाता था। आफ्टर डेथ ऑफ गृहपति द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू हिज एल्डेस्ट सन। और जब गृहपति की डेथ हो जाती थी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको शिफ्ट कर जाती थी? उनके सबसे बेटे को। ठीक है, सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन अ ग्राम। Several families lived in gram or village. Gram मतलब village, gram और village, village को हिंदी में gram बोलते हैं। ठीक है, several villages formed a base. सारे गांवों को मिलाकर एक ग्रुप को क्या नाम दिया गया? base. Many villages formed a jan. और इन villages को मिलाकर क्या बनाया गया? ये villages नहीं, सिर्फ villages हैं। इन villages को मिलाकर फिर एक जन बनाया गया, तो जन को मिलाकर जनपद बनाया गया, फिर जनपद को मिलाकर महाजनपद कुछ ऐसा बना। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो वही कह रहे हैं, द हेड ऑफ द विलेज वॉज। विलेज का हेड कौन था? उसको ग्रामीण बोलते थे। दैट ऑफ विसा, सब विसा का हेड कौन था? विसापति, है ना। और जिनका हेड कौन था? उसको राजन बोलते थे, ऐसे किंग बोलते थे राजा। द किंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। द किंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। जो किंग जो काम कर रहा था वो कैसे काम कर रहा था? गवर्नेंस का, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की हेल्प लेता था। द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इंक्लूड द ग्रामीण, वो ग्रामीण की हेल्प भी लेता था। ठीक है, पुरोहित जो होते थे उस टाइम उनकी भी हेल्प लेते थे, सेनानी जो होते थे उनकी भी हेल्प लेते थे। और सेनानी कौन मतलब? आर्मी में कमांडर होते वो, चलो लिखा भी हुआ आगे। सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। अब पुरोहित मतलब क्या? पंडित जिनको हम बोलते हैं आज के टाइम पे, बेसिकली पंडित नहीं होते पर आप कह सकते हैं, ऐसे लोग जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, जो रिलीजियस काम करते हैं। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस वाज कैरीड आउट बाय ग्रामीण। बिल्कुल ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, जो हेड होता था वही एडमिनिस्ट्रेट करते थे यहाँ पे। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी। द किंग की कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। हाउएवर इन टाइम्स ऑफ वॉर ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ट्राइबल ग्रुप्स टू फॉर्म टू परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस। यानी उनकी कोई आर्मी ऐसे हमेशा रेडी नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन जब वॉर वाले सिचुएशन आते थे तो जितनी भी ट्राइब्स होते थे वो वहाँ से लोगों को बुला लेते। ठीक है, अपने मिलिट्री फंक्शंस के लिए, मिलिट्री काम के लिए। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक टाइम द ट्राइब इलेक्टेड अ लीडर ऑफ इट्स ओन। ऋग वैदिक टाइम पर जो ट्राइब होते थे वो अपने लीडर को खुद से सिलेक्ट करते थे। ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज द वन लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, और ये जो ट्राइब जो थे वो इतने ताकतवर नहीं थे जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड में थे। यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो ट्राइब थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और अर्ली में थोड़े वीक थे। इन द ऋग वैदिक पीरियड थ्री पॉपुलर असेंबलीज नून एज सभा समिति एंड विदाथा। विदथ बोल दो, है ना, एडवाइज। ऋग वैदिक पीरियड में
तीन प्रॉपर असेंबलीज थी, असेंबली मतलब पता ही आपको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक को तो सभा बोलते हैं, सभा, ठीक है, एक होती समिति एंड एक होती है विदथ। ये क्या करती थी सभाएं, ये असेंबलीज क्या करती थी, एडवाइस करती थी किस किंग को, ठीक है। द विदथ वॉज द अर्लीस्ट असेंबली, सबसे पहले असेंबली तो यही थी, विच यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ फंक्शन, जो हर तरह के काम करती थी, लाइक इकोनॉमिक फंक्शन हो गए, मिलिट्री फंक्शन हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक फंक्शंस हो गए, मिलिट्री फंक्शंस हो गए, रिलीजियस फंक्शंस हो गए, सोशल फंक्शंस हो गए, सारे। वी मैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेलीब्रेशन इन द विदाथा द समिति और असेंबली ऑफ द पीपल, असेंबली ऑफ द पीपल, ये लोगों की पीपल, आम लोगों की असेंबली को बोलते समिति, सभा मतलब कि यहाँ पे काउंसिल होती थी, बहुत बड़े लोग होते थे यहाँ पर। सभा परफॉर्म्ड एडवाइजरी, सभा का काम क्या था, सभा का काम था एडवाइजरी करना, जुडिशियल फंक्शंस करना, ठीक है। और समिति थी, समिति क्या थी, समिति का बेसिकली काम क्या था, किसी स्पेशल ओकेजन पर कोई मीटिंग बैठानी है तो समिति को, समिति का यूज किया जाता था। इन द लेटर वेदिक एज किंग्स बिकेम हेरिडिटरी एंड डिवाइन एलिमेंट्स केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग। लेटर वेदिक एज में जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी चीज बन गई। हेरिडिटरी मतलब क्या भाई, फादर से सन, सन से उसका सन, उससे उसका सन, है ना। अगर फादर किंग है तो उसका बेटा प्रिंस बनेगा, फिर प्रिंस फादर किंग बन जाएगा, फिर उसका बेटा प्रिंस बनेगा, फिर वो किंग बन जाएगा, ऐसे किंग का प्रिंस, फादर का बेटा, फादर का बेटा, फादर का बेटा, ठीक है, ऐसे चलता रहता था। और उसको एक डिवाइन क्वालिटी मान ली गई। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इसी पीरियड में टैक्सेशन आया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें ऐसे इस पीरियड में आए। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर अर्लियर इंपोर्टेंस, जो इतनी पॉपुलर असेंबलीज थी उन्होंने अपनी इंपोर्टेंस खो दी। द सभा समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ्स एंड रिच नोबल्स, सभा और समिति थे अब वो सभा में, क्योंकि नॉर्मल पीपल रहते थे, सॉरी सभा में काउंसिल के मेंबर रहते थे, समिति में लोकल वो नॉर्मल लोग रहते थे, अब वो कौन डोमिनेट करे उनको, अब उनको डोमिनेट कर रहे हैं चीफ होते थे, अब जो रिचर्ड नोबल्स होते थे वो वुमेन आर नो लॉन्गर परमिट टू अटेंड दिस असेंबली। पहले वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, अब वो और ज़्यादा, अब वो परमिट नहीं है, उनको अलाउड नहीं है कि वो अटेंड करें, ठीक है। पोजिशन ऑफ वुमेन पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वुमेन वर रेस्पेक्टेड, वीमेन वर रेस्पेक्टेड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बिकम सेक्रेड, सब वुमेन की काफ़ी रेस्पेक्ट किया जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बिकम सेक्रेड, शादी करने की प्रथा थी बेसिकली, वो काफ़ी सेक्रेड थी, काफ़ी पवित्र थी। डॉटर्स वर गिवन फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड, लड़कियों को, बेटियों को फ्रीडम दी जाती थी कि वो अपना क्या कर सकें, हस्बैंड चूज कर सकें। द सिस्टम ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज वर प्रिविलेंट, सिर्फ विडो लोग शादियाँ कर सकती थी, ये अलाउड था। री मैरिज ऑफ विडोज वर प्रिविलेंट। देन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी वहाँ पर। द मैरिजेबल एज इन दिग्वेज शिफ्ट टू हैपन 16 to 17, वहाँ पर शादी की एज मानी जाती थी 16 to 17 मानी जाती थी, और उस टाइम पर 16 to 17 एज के लोगों को बच्चा नहीं माना जाता था, ठीक है। इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, लेटर वैदिक पीरियड में तो काफ़ी डिक्लाइन हो गया लड़कियों के स्टेटस में। देयर पार्टिसिपेशन इन योजना यज्ञ वगैरह पूजा पाठ में जिनका पार्टिसिपेशन था वो अननेसेसरी मान लिया गया। दे डू नॉट एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिला, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया उनका प्रॉपर्टी में से राइट छीन लिया गया, ठीक है। द फ्रीडम टू चूज हस्बैंड द वुमन वाज कर्टेल, और जो हस्बैंड चूज करने का राइट था वो भी क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं, होमवर्क देखने रखो सर। ये होमवर्क के क्वेश्चन ये हैं आपके, 10th वाला, ये वाला,
ये वाला ये वाला ये बी वाला ये वाला बस यही है ठीक है।